एक चीज दिखाऊं, ऐसी आपने देखी है क्या? सच में बहुत तगड़ी है, देखो। ओ भाई हालत देखो मेरी, खेत पे आया मैं, 3 किलोमीटर खेत पे आया तब तक मेरी हालत देखो, इतना खतरनाक कोहरा। देखो रात को मैं आया था खेत पे, रात को खेत पे आया था तो ये जला के गया था इतना बड़ा लकड़ा। Hey, what's up guys? Welcome back to Shiv Pandey Blog. Guys, आज मैंने सुबह नहा लिया है, तगड़ा सी लग रहा है। जेगो मता, लोगो मता, खा लीजिए आप सुबह सुबह का नाश्ता। तो गाइज हमारी चाय आ चुकी है, माताराम रोटी बना रही है। माताराम कैसा लग रहा है तुमको सर्दी में? बहुत सर्दी लग रही है तुमको? ओह गाइज चाय बहुत गर्म है और कोहरा बहुत छाया है वो आज। ये देखो गर्मी पैदा करने का ये आसान तरीका। अच्छा हमको सिखा रहा है। सो गाइस अभी हम चल रहे हैं हमारी बेस के नाश्ता पानी का सामान लेने। बेस को नाश्ता करा देना, बताता हूँ चलते हैं और लेके आते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या। तो हमारी गाड़ी की जो ये वायरिंग खराब हो रही थी इसको अभी नया डलवा रहे हैं, कल मैंने बताया था आपको ब्लॉग में, ये खराब हो रही पूरी। तो भैया वापस चालू कर रहे हैं हमारा काम। तो ये वाला है पूरा खराब हो चुका है हमारा, कंप्लीट हो गई गाड़ी हमारी है ना, चालू कर दो भैया। देश बचे दे बच्चा कम देर करो, कंप्लीट हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, चलते हैं। फाटा तो कट्टो मत उतार। तो ये कट्टा है बाजरे का, ले लो चलो। पूछा भाई फूट गया उसी दिन की तरह। भाई यार फूटा फूटा कट्टा मतलब भूख रहा, रास्ते में खुल जाएगा ये। एक तो मोटा कट्टा ले लिया और बैंक में काम था, बैंक में बैंक का भी सारा काम हो गया भाई, एक नंबर टाँको लगा दे तुम्हारे। ये गेला में खुल गया तो भाई कट्टा कट्टे भीड़ तो फेर हुए, चलो चलते हैं घर पे वापस। तो गाइस मैं ये भी लेके आया हूँ, क्या है मतलब ये गाय के बनने वाली मोहरी है मुँह पे, तो अभी लाइव में आपको बांध के दिखाऊंगा, मैं ना मैं बांधूंगा खुद। कड़ी नीचे गई। कड़ी नीचे गई है। हाँ। अभी ने अच्छी। गाइस बहुत तकलीफ आती है गाय के मोहरी बांधने में, भाई साहब लगभग जाती है। और फिलहाल अभी हम चल रहे हैं खेत पे, अपन क्या है कि मतलब अपन की जो मतलब पूरी सोसाइटी के साथ अपन चलेंगे, कुर्सी लेके चाय लेके सब कुछ लेके खेत पे चलेंगे, वहाँ पार्टी करेंगे। अभी चाय रेडी हो चुकी है हमारी खेत पे चलने के लिए, ये दोनों पालियाँ मम्मी को दे देते हैं, मम्मी आना पी लेगी। मेरे को कुर्सी भी ले लेते हैं खेत के लिए, ये दोनों कुर्सियाँ लेंगे। तो गाइस खेत पे आने का और चाय पीने का कितना बढ़िया सिस्टम रहता है मैं आपको सीन दिखाना चाहता हूँ, कृपया करके आप अगर आप बैठे हैं तो किसी मतलब एकांत जगह में जाके इसको देखें, मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। 2 मिनट रुकें, एक चुस्की भर लेता हूँ मैं। मस्त है, अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारा सीन। गाइस हमारे खेत पे ऐसे बेर भी लग रहे हैं, ऐसे बेर खाने में आनंद बहुत मिलता है, मतलब ये इतने मीठे लगते हैं ना, स्पेशली राजस्थान में मिलते हैं ऐसे, बाहर नहीं मिलते हैं क्योंकि राजस्थान में बहुत रसीला प्रदेश है। मस्त है ये दिख रहा है ना पूरा लकड़ा, ये रात के लिए काम के लिए, रात में हम जब आग जलाएंगे ना तो सर्दी में मतलब इसको जला के तापेंगे, तो इसको काट लेते हैं बराबर। इतना कट गया देखो, थोड़ा सा और बाकी है, कट गया नीचे इसके मतलब कीड़े हैं, तो कीड़े मतलब मर ना जाए रात में, इसलिए इनको देखो देते इधर, ये पूरा चलेगा रात को। तो गाइज अभी आ चुका है घर पे, देवा आ चुका है, देवा मेरे जूते पहन रहा है, मेरे जूते मत पहन ये मेरे जूते ना इसको बिल्कुल भी नहीं आ रहे, देखो कितना खोला है, 2 इंच 4 आंगल खोल, चुपचाप खोल दे इसको, खोल दे बस हवा निकल गई। ये देखो ये बाजरा लेके आया था ना मैं, ये नाश्ता है हमारी बांस का, ये बांस खाएगी सुबह, तो इसे बांस खाएगी, मैं बताऊंगा आपको कैसे खाएगी। कितना निकलेगा दूध? 6 लीटर 6 लीटर दूध नहीं निकलता है भैया, हमारी बांस के 4.5 लीटर दूध निकलता है, और
अगर बचा हुआ दूध आप दे सकते हो मेरे को। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो देवा बोल रहा है कि मतलब अगर दूध कम पड़ेगा तो मैं लाके दूंगा। तो ये मेरा जिगरी दोस्त है, भाई जैसा है, तो इसके लिए लाइक कर देना। गाइज दाढ़ी बहुत बड़ी हो चुकी है, क्या कहना आपका? इसको सेट करवाएं या नहीं करवाएं? क्योंकि ज्यादा ही सर्दी का मौसम है, ज्यादा ही बड़ी हो चुकी है और बाल भी काफी लंबे हैं। अच्छा ये देखो, सुबह सुबह का नाश्ता बांस के लिए ले, तेरे लिए भी है ये ले। अजी गाइस एक चीज दिखाऊं, ऐसी आपने देखी है क्या? सच में बहुत तगड़ी है। देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? ये है रियल फॉग, रियल, देख लो आप, दिस इज द रियल कोहरा। तो रवि चलेंगे खेत पे, मैं दिखाऊंगा आपको कितना जंगल में कोहरा लगता है। ये मतलब इतना तगड़ा कोहरा है ना, पूरा जंगल नहीं दिखेगा हमको। ठीक है चलते हैं, दिखाऊंगा आपको कैसा लगता है जंगल में। तो वे लगा लिया, चलो भाई साहब, इतना कोहरा पड़ रहा है ना, सर्दी लग जाएगी। गाड़ी स्टार्ट होगी, एक टिकट में स्टार्ट होगी गाड़ी भैया, आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा भाई। भाई हालत देखो मेरी, खेत पे आया मैं, 3 किलोमीटर खेत पे आया, तब तक मेरी हालत देखो, इतना खतरनाक कोहरा। भाई साहब क्योंकि रात को तो कोहरा था नहीं, तो रात को मैं मतलब वीडियो पूरा शूट नहीं कर पाया, लेकिन अभी कोहरा आया भाई साहब, इतना खतरनाक। अरे बाप रे, गेट से बंद नहीं हो रहा है, अरे बाप रे गेट भी खुल रहा है। भाई साहब इतना कोहरा मैंने पहली बार जिंदगी में इतना कोहरा देखा है, और इतना मतलब मेरे ऊपर कभी नहीं जमा कोहरा, लेकिन पूरा शरीर पूरा गीला हो गया। देखो ना यार, पूरा गीला हो रहा शरीर, कोट पूरा गीला हो गया मेरा, इतना खतरनाक कोहरा। राजस्थान का कोहरा है ये, राजस्थान का, कहीं और का नहीं है। कहीं और का हो तो पता चलता है भाई, हाँ होता है, लेकिन राजस्थान का कोहरा है, जैसे शिमला बोला ही नहीं जा रहा, जैसे शिमला मनाली ऐसा कोहरा हो रहा है यहाँ पे। देखो रात को मैं आया था खेत पे, रात को खेत पे आया था तो ये जला के गया था, इतना बड़ा लकड़ा जो मैंने कल काटा था। देखो अभी तक इसमें अंगारे हैं और अभी तक ये जल रहा है, जल रहा है तो जलो, क्योंकि मेरे को आग चाहिए अभी, इतना खतरनाक कोहरा पड़ रहा है। ये टूट भी जला गया, देखो जल रहा है ना। गर्मी से प्यार हो जाता भाई साहब, मैंने जो स्टोरी डाली थी। एक और खास बात है भाई, अगर आप मुझे मतलब एक्टिव देखना चाहते हो कहीं पे भी, मतलब मैं अभी कहाँ पे हूँ, तो इंस्टाग्राम की मेरी लिंक डाल रहा हूँ मैं, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके फॉलो कर लेना, शिव पांडे 7703। ठीक है ये मेरा यूज़र नेम है, शिव पांडे 7703, जाके फॉलो कर लेना, बहुत अच्छे रील्स वीडियो बनाता हूँ मैं। देखो भाई मेरी हालत तो इतनी है, लेकिन कुर्सी की हालत देखो, कितना पानी भरा हो, देखो इतना पानी इसके ऊपर भर गया भाई। ये सर्दी नहीं पड़ रही है तो सर्दा पड़ रहा है, सर्दा, इतना बड़ा सर्दा घूम गया। तो गाइस आई होप आपने ये व्लॉग काफी एंजॉय किया होगा, क्योंकि ये काफी बड़ा हो चुका है, क्योंकि आपने इतना देख तो लिया है। लेकिन रिक्वेस्ट चाहता हूँ, आपका भी टाइम कॉटी हो, मेरा भी टाइम कॉटी हो, तो बहुत लंबा हो चुका है इस ब्लॉग को, तो इधर ही एंड करेंगे, इधर ही बस खेत पे, और नेक्स्ट ब्लॉग यहीं से चालू होगा। ठीक है तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बोला ही नहीं जा रहा, अपना ख्याल रखें, अपने घर में खुश रहें, अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने आसपास सफाई रखें। ठीक है बाय बाय, टेक केयर।